नेक्स्ट लिखेंगे मैक्स्टर, मैक्स्टर में लिखें ए बूलियन एक्सपेंशन, बूलियन एक्सपेंशन जनरेटेड बाय एन टपल x1 x2 xn in the form of the sum of exactly and distinct, sum of exactly and distinct laterals, is said to be maxterm. Thus, a maxterm in two variables x1, x2 is a boolean expansion of the form सेकेंड नंबर पे लिखा है ना, ये एक्स वन बोर्ड पर जो लिखा है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन प्लस एक्स टू डैश कॉमा एक्स वन डैश प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन डैश प्लस एक्स टू डैश, ये लिख दो. मिड टर्म मैक्स टर्म हो गया ना ये. नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डी आई एस लिखो, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म डी आई एस जे यू एन सी टी आई वी ई डी आई एस जे यू एन सी टी आई वी ई डी आई एस जे यू एन सी टी आई वी ई डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसमें लिखेंगे ए बूलियन फंक्शन एफ बी एन टू बी टू इज सेड टू बी ए बूलियन फंक्शन एफ बी एन टू बी टू इज सेड टू बी इन डी एन एफ कैपिटल डी एन एफ का मतलब डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म,
शॉर्ट में लिखोगे आप, इज सेड टू बी इन डीएनएफ फॉर्म, इज सेड टू बी डीएनएफ, शॉर्ट में लिख दो डीएनएफ, इज सेड टू बी डीएनएफ इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, शॉर्ट में बोले तो जो भी मिनी टर्म थी ना, मिन टर्म्स जो भी थी उनका एडिशन कर दें तो वो डीएनएफ होता है। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, यहाँ लिखोगे ना जितने भी मिन टर्म्स थी, मान लीजिए मिन टर्म एम जीरो प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, ओके जितनी भी मिन टर्म थी उन सब का क्या कर दें, सम कर दें, सो वो क्या हो जाता है डीएलएफ। यहाँ एम एन लिख के एम की के की वैल्यू कितनी है, कहाँ नहीं वहाँ तो एम वेरिएबल होंगे ना, एम वेरिएबल में जरूरी थोड़ी है, एम वेरिएबल में मिन टर्म कितनी हो ये हो सकती है, जैसे आपने टू वेरिएबल लिए थे ना अभी थोड़ी देर पहले एक्स वन एक्स टू, मिन टर्म कितनी थी, चार थी नहीं, समझे कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं वेयर आई इक्वल टू जीरो वन टू के, पहले लिखेंगे इसमें वेयर एम आई इज ए मिन टर्म, कितना लिख दिया ना आपने यहाँ तक एम की तक, लिखो ना इसको, लिखो पहले दी फॉर्म, फॉर्म के बाद लिखना है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन इक्वल टू एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस एम के, वेयर वेयर एम आई इज ए मिन टर्म, फोर ईच आई इक्वल टू वन टू के, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डेफिनेशन डालें, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर सी ओ एन जे यू एन टी आई बी नॉर्मल फॉर, शॉर्ट में इसको सी एन एफ बोलेंगे, कैपिटल सी एन एफ, लिख दिया ना सी एन एफ, इसकी डेफिनेशन लिखें, ए बूलियन फंक्शन एफ ए बूलियन फंक्शन एफ बी एन टू बी टू एफ बी एन टू बी टू एफ बी एन टू बी टू इज सेड टू बी इज सेड टू बी सी एन एफ इट इज ऑफ द फॉर्म, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ x1, x2, x3, xn equal to capital N naught into, इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, m1, m2, mk,
कम स्टेशन आ गई नेम के विदुर राम वेयर वेयर ओके कैपिटल एम आई इज ए मैक्सटर कैपिटल एम आई इज ए मैक्सटर फोर इच आई इक्वल टू जीरो वन टू के क्या जीरो से ही था वो अभी जीरो से लिखा है हमने अच्छा इसमें भी नहीं जीरो से ही लिखना आई इक्वल टू जीरो से ही लिखना है डी एन एफ में भी जीरो से लिखना आई इक्वल टू ये जीरो है ना मैंने यहाँ जीरो लिखा था तो जीरो से ही लिखना होगा नहीं सर्जी टाइम हो गया नेक्स्ट स्टार्टिंग डालें सर्जी 10 मिनट रह गए बस नेक्स्ट स्टार्टिंग डालें इसमें लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन Representation of Boolean function in DNF. कुछ रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा उसके उसके अकॉर्डिंग आप क्या डी एन एफ फाइंड आउट करोगे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन फंक्शन फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन फंक्शन Having minimum number of terms, having minimum number of terms in the form of sum. Minimum number of terms in the form of sum. SUM. Second point डालेंगे आप. Multiply each term. Multiply each term by as many ones. नहीं नहीं O N E S या O N E का कहते हो या ones. Ones. By as many ones. Equal to the number of missing literals, यानी जिनमें एक काउंट का नहीं हो ना वन नहीं हो उनमें क्या वन से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ मिसिंग लिटरल्स एक्स आई स्टार इन दैट टर्म एक्स आई स्टार इन दैट टर्म लेटरल्स एक्स आई स्टार एक्स आई होता है ना सफिक्स में आई ऊपर स्टार लिखा तो था हमने यहाँ कई बार लिखा हुआ ये नीचे लिख रहा है ना एक्स वन स्टार एक्स टू स्टार वैसे ही एक्स आई स्टार थर्ड पॉइंट डालो एक्स आई स्टार के बाद में लिखा इन दैट टर्म थर्ड पॉइंट डालो रिप्लेस Each one in the terms by replace each one in the terms by xi plus xi complement मतलब जो one आएगा ना one जिसमें missing term है उसमें वन से आप मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद में वन को क्या लिखोगे एक्स आई प्लस एक्स आई डैस आई की वैल्यू वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है डिपेंड होगा जब क्वेश्चन बताएंगे ना आपको तो और अच्छा होगा वन टू एक्स आई प्लस एक्स आई डैस क्योंकि ए प्लस ए डैस इक्वल टू वन होता है वैसे ही एक्स वन प्लस एक्स वन डैस इक्वल टू वन होगा एक्स टू प्लस एक्स टू डैस इक्वल टू वन होगा एक्स आई प्लस एक्स आई डैश लिख दिया ना
इफ दिस वन करेस्पॉन्ड्स, इफ दिस वन करेस्पॉन्ड्स टू द मिसिंग लिटरल, टू द मिसिंग लिटरल एक्स आई स्टार, नेक्स्ट लिखोगे फोर्थ पॉइंट. नाउ अप्लाई द बूलियन अलजेब्रा लॉज, बूलियन अलजेब्रा लॉज. ये तो हो गया कौन सा फॉर्म, डीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स. अगला लिखो रिप्रेजेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इन सीएनएफ. अभी 53.7 मिनट्स है. अभी लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इन सीएनएफ. पॉइंट फर्स्ट डालोगे इसमें सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन फंक्शन. फर्स्ट पॉइंट लिखो सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन फंक्शन. So that it has minimum number of factors. So that it has minimum number of factors. Second point. Add zeros. 820. Add zeros to each factor as many times. As many times. Equal to the number of. Equal to the number of missing literals. To the number of missing literals xi star. In that factor. Next point, alu third. Replace each zero in the factors y. यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखा था वो एडिशन में. नेक्स्ट क्या होगा? xi dash. If this zero corresponds to the, missing literals xi star. Fourth point डालें. Now apply the laws of Boolean algebra. Now apply the laws of Boolean algebra this line change करके लिखें this results the Boolean function. This results the Boolean function in its CNF.
पिछले वाले में भी लिख देना एक लाइन, दिस रिजल्ट द बुलियन फंक्शन इन इट्स डीएनएफ, वहां डीएनएफ करके लिख दो, इसमें सीएनएफ। तो इस मीटिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस। कल सौ बात परसों।